विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय के एनसीसी कैडेटों ने जागरूकता रैली निकालकर ग्रामवासियों से प्रत्यक्ष संपर्क कर पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। 37वीं छत्तीसगढ़ एनसीसी बटालियन के कमान अधिकारी के निर्देशानुसार कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय के एनसीसी कैडेटों ने दुर्ग जिला के ग्राम कोटनी में विश्व पर्यावरण दिवस पर जागरूकता रैली निकाल ग्रामवासियों से प्रत्यक्ष संपर्क कर पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। इसी कड़ी में कैडेट ग्राम पहुँचते ही विशाल जागरूकता निकाले, जिसमें ग्रामवासी भी शामिल रहे। उसके बाद कैडेट सौरभ कुमार ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का उद्देश्य बताया। कैडेट अमित कुमार ने किस प्रकार हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ व सुंदर बना सकते हैं इसकी जानकारियां ग्रामीणों को दी, तो वहीं कैडेट रुद्र कुमार द्वारा जल को किस प्रकार हम स्वच्छ रख सकते हैं व जल प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं इसकी जानकारियां दी। कैडेट महिम कुमार ने ग्रामवासियों को बताया कि एक व्यक्ति या एक परिवार के द्वारा कैसे पर्यावरण को दूषित किया जा रहा है, और अंत में कैडेट प्रीतम कुमार ने प्रदूषण के प्रकार बताए, जिसमें मुख्य रूप से वायु, जल, ध्वनि व मृदा प्रदूषण के फैलने व उसको रोकने के बारे में जानकारियां दी, जिसका सीधा संबंध प्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से है। इस अवसर पर एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट डॉक्टर हरीश कुमार कश्यप ने समस्त ग्रामवासियों से आह्वान किया कि गांव में सुख दुख के अवसर पर उपयोग किए जाने वाले डिस्पोजल का पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया जाए, जिससे गांव स्वच्छ रहे, और उसके स्थान पर आप धातु का बर्तन उपयोग कीजिए, जिससे आपकी लागत भी कम हो जाएगी। साथ ही उन्होंने जानकारियां दी कि एक कार्यक्रम में लगभग 7,000 रुपए का डिस्पोजल पर खर्च होता है। अगर उसके स्थान पर आप बर्तन खरीदकर पंचायत को दे देते हैं तो ऐसे बहुत सारे बर्तन आपके गांव के लिए उपलब्ध हो जाएंगे और आपको डिस्पोजल उपयोग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिसके चलते ग्राम के उप सरपंच मुकेश कुमार ने वचन दिया कि अब हम अपने गांव में डिस्पोजल उपयोग बंद कर उसी पैसे से बर्तन खरीद कर उसका उपयोग करेंगे। इस अवसर पर एनसीसी अधिकारी व कैडेटों द्वारा ग्राम के युवा महेंद्र कुमार का भी सम्मान किया गया, क्योंकि उनके युवा साथी मिलकर ग्राम में वृक्षारोपण प्रारंभ किए हैं और स्वयं के खर्चे से घेरा लगाकर उसको बड़े करने का प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में ग्राम के उप सरपंच मुकेश कुमार निषाद ने एनसीसी अधिकारी व सभी कैडेटों को धन्यवाद दिया। इस कार्यक्रम का संचालन महाविद्यालय के एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट हरीश कुमार कश्यप द्वारा किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से 37वीं बटालियन से सूबेदार मेजर भूपति थापा, बीएचएम रामचंद्रन व कमल टोपोसर का सहयोग व मार्गदर्शन मिलता रहा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।